अच्छी आया है। दो बच्चे निकले हैं, अभी उनको खाना खिलाओ। हाँ, आज की व्लॉग शुरुआत मेरे साथ हो रही है। अभी पापा ने लाया। देखिए, हमने शीलो को फिर से नहीं ला दिया क्योंकि उसकी चोट का था थोड़ा सा। कितना साफ सुथरा हो गया। पापा पापा इधर मत करो, इधर टैप 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 करो। अच्छा, मस्त फ्रेश हो गया ना के, आप लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ, आओ झाड़ ले। ये देखो कितना पतला सा है, देखो कितना पतला सा है, पर बाल होते हैं तो ये कितना मोटा हो जाता है। ये तो एलियन की तरह पकड़ा तुम ऐसा पकड़ा बोले गए क्यों उसे इतना, वो खुद उठा है। हाँ, कुछ ही पकड़ रहा हूँ। एक जन पकड़ सकता है, एक जन बोल सकता है। देखो मामा, तुम्हें भी नहला दे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं शीरो नहा धो के तैयार है एकदम, और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। माओ का खाके हो जाए तो फिर वो आगे जाके खाए। माओ अपना अंडा खा रही है बॉईल किया हुआ, और ये बेचारा इंतजार में है कब माओ हटे और उसको खाना मिले। दिखा इसकी जहालत दिखा। ये देखिए, जैद ने दो दो बार खाना गिरा दिया है और रोज झाड़ू पोछा होता है और घर के अंदर गंदगी करता है। ये बाल भी डाल दिया साथ में बच्चे लोग के खाने के। हाँ, आज की व्लॉग शुरुआत मेरे साथ हो रही है। अभी पापा ने लाया लिटर और शिंदो यहाँ पर सो रहा है, और पापा की जो अभी जो येलो वाले कॉकटेल्स है उनके लिए खाना, हैंड फीड वाला खाना कुछ तो है। ये पाउडर है, ये पाउडर को तुम पानी में मिक्स करोगे और फिर नहीं करना, एक सिरिंज से खिलाओगे। ये है डू नॉट बॉइल, ये है वाटर वॉर्म। अकेले भी आए नाश्ते के, आए कैमरा कैमरा एंगल के ऊपर ध्यान, अकेले भी आए नाश्ते के लिए और आया है चार डब्बा। अच्छे से केला रख, केला रखना भी नहीं आता। चार डब्बा नहीं, और शीरो मावती ग्रेवी कितने पैकेट आए? दो तीन, तीन एक बार है तीन, मम्मी ने तो दो ही लिखा था बस। तो वो सब गिरा दिया उसको ने, कुछ आता जाता नहीं है, बेवकूफ। मेरे को ही सब करना पड़ता है। अरे यार, उठी नहीं। हाँ, उठ गया। ओ माय गॉड, गिर ना जाए कहीं ये। हाँ, दो बच्चे निकले हैं, अभी उनको खाना खिलाओ। खाना खिला रहे हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया जल्दी से। हाँ, एक छोटा है, एक बड़ा है। खाना भी अच्छा लग गया, अच्छा लग गया। मुंडी मटक गई फुल। खाना है, खाना है, खाना है। ज्यादा बना दिया? हाँ, बहुत ज्यादा बना दिया। अगली बार ध्यान रखेंगे। आधी आधी बॉटल ही काफी रहेगा शायद। एकदम छोटू बच्चे की तरह ना गिट रहा है। इसको हम लोग बोलना सिखाएंगे। सीख सकते क्या कॉकटेल बोलना? तो पर इनको बोलना सिखा सकते। ए माओ, माओ तू क्यों खा रही है पंछियों का खाना? ये पंछी का खाना तेरे लिए नहीं है, ये पंछियों के लिए। बाबा तो पंछियों का खाना खिला रहे। मैं आप लोगों को मेरी मेहनत बताता हूँ। ये दिख रही है जो सीढ़ी, ये जो पूरी सीढ़ी है ना इतनी बड़ी होगी, होगी 1.5-2 किलोमीटर की। देखो ये पूरी की पूरी सीढ़ी, ये पूरा का पूरा किचन वहां से वहां तक मैंने झाड़ू मारा है ना। हाँ, और मैं पोछा मार रही हूँ जैद, अब यही चप्पल लेके तू ऊपर जाएगा। मैंने पर मेहनत की, मेरी मेहनत। हाँ, और यहाँ पे मम्मी चिकन का पुलाव पका रही है, सस्ती बिरयानी है ना। हाँ। और ये रेसिपी आपने देख रखी है,
अगर अभी तक नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, अखनी पुलाव है इसका नाम। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पापा के पंछियों के लिए बताइए अपन क्या क्या कर सकते। गाड़ी की चेन उतर गई, तुझे पता है, घर में ही पड़ी थी, गाड़ी गिर गई, पापा को चोट नहीं लगी, पापा बच गए, तो कहना चाहेगी इसके बारे में। हाँ, कल हम लोग माओ को उस बैग में बिठा के बाहर लेके गए थे, आयत लेके गई थी, पर हम लोग व्लॉग बनाना भूल गए, है ना आयत? ये हमारा ये पुलाव बन गया है तो मस्त, और यहाँ पर हमारे पास रायता भी है, और अभी हम खाना खा रहे हैं, खाने वाले तो, और वहाँ पर माओ अभी खाना खा रही है। हाँ, और बैग भी आ गया है, और फिर शीरो वहाँ पर सो रहा है, आवाज दन 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 करे जा रहा है, शीरो उठ गया, इतना गला हुआ ऐसे दबाते ही टूट गया, मैं खा के बताता हूँ, अलग ही स्वाद है ना वो पिज़्ज़ा। यहाँ पर मम्मी डांटी है मेरे लिए, और यहाँ पर मेरा दही है, जो भी रोटी ला खाना है ना पहले ही, ठीक है, किसी को दे देना, मेरी गाड़ी की चेन उतर गई है, यहीं पर क्या है ना, फिसल के गिर गया था मैं, तो यहाँ पे गाड़ी पीछे का चक्का चल रहा था तो चेन उतर गई, तो इसको बनवा के लेकर आ जाते हैं। दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ, गाड़ी बन गई, 50 रुपए लिया उसने, लेकिन उसने रिपेयर करके दे दिया, पीछे का दोनों मरकट निकाल के और चेन चढ़ा के दे दिया। पापा को बोलो एक नई गाड़ी खरीद दे, पुरानी हो गई है, बहुत ज्यादा टूट गई है, सब बेकार हो गया है, इसलिए एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों की दुआ रही तो हम नई गाड़ी भी ले लेंगे, आप लोग दुआ करें हमारे लिए बस। दोस्तों हम लोग घर पे आ चुके हैं, और ये देखिए शानदार वड़ा पाव साथ में है, जैद की क्या है, ज्यादा भी बोले साबूदाना खिचड़ी, और माओ को भी बाहर लेके गए थे तो वो डरी नहीं, उसको उल्टा अच्छा ही लग रहा था जितना शुरुआत में, फिर जब एक गाय ने जोर कर से मौ कर दिया ना, वो गाय की मौ से डर गई, मम्मी की हालत इधर खराब हो चुकी है मेरे को, तो अचानक इसके गले में वड़ा पाव अटक गया, अभी तो ये इसको गाली दे दूंगी तो क्या, तो ये खा रही है, ये वड़ा पाव इतना तीखा होता है क्योंकि राजस्थान का वड़ा पाव है, मुंबई का नहीं है, इसलिए इसके अंदर मिर्ची समझो आधा वड़ा पाव होता है और आधे से ज्यादा मिर्ची होती है, इसलिए मम्मी की हालत खराब, आयत को भी छींक आ रही है, नहीं मेरे को छींक उस वजह से नहीं आ रही, ये खा लेती है, ये तीखा खा लेती है, ये यहाँ राजस्थान की है, राजस्थान की है। चलिए दोस्तों आप लोग भी आइए और खाइए हमारे साथ। प्यारे भाई बहनों, बारिश हो रही है, इतनी धूप है फिर भी आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, तेज, पता नहीं अचानक बारिश क्यों हो गई, जबकि बादल भी इतने हैं नहीं, यहाँ पे बादल भी एकदम वाइट वाइट ही है, फिर भी अच्छी खासी बारिश हो रही है।